आज कांग्रेस के लिए दो बुरी खबरें आई हैं, पहली पंजाब से और दूसरी महाराष्ट्र से। पंजाब कांग्रेस में मचा घमासान इस हद तक बढ़ गया है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। कैप्टन से नाखुश 40 विधायकों की चिट्ठी के बाद हाई कमान ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। वहीं दूसरी ओर सीएम उद्धव ठाकरे ने भाजपा के केंद्रीय मंत्री को भावी साथी करार दिया। इसके बाद शिवसेना बीजेपी के रूठे रिश्तों में फिर गर्माहट आने के आसार दिखाई देने लगे हैं। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम स्मृति दिवस के मौके पर उद्धव ठाकरे ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया। मंच पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के अलावा बीजेपी के केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे भी बैठे थे। जब मुख्यमंत्री बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने मंच पर बैठे राव साहेब दानवे को मेरे भावी सहयोगी कहकर संबोधित किया। बीजेपी नेता राव साहेब दानवे को भावी सहयोग कहे जाने के उद्धव के बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कुछ लोग इसे शिवसेना और बीजेपी के फिर एक साथ आने का संकेत मानने लगे हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी संगठन पर खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी संगठन में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस साझेदार हैं। ऐसे में कांग्रेस के हाथ से एक और राज्य में सत्ता में भागीदारी जा सकती है। उद्धव ठाकरे के इस बयान को बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने और भी बल दे दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। मुख्यमंत्री को लगा होगा कि अनैसर्गिक गठबंधन की सरकार अब ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती, इसलिए उन्होंने मन की बात कही है। अब बात पंजाब की करते हैं। पंजाब कांग्रेस में आपसी खींचतान इतनी बढ़ गई है कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की कुर्सी खतरे में पड़ती नजर आ रही है। कैप्टन से नाखुश 40 विधायकों ने कांग्रेस हाईकमान को चिट्ठी लिखी है। इसके बाद हाईकमान ने बड़ा फैसला लेते हुए चंडीगढ़ स्थित पंजाब कांग्रेस भवन में विधायक दल की बैठक बुलाई है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने आधी रात को मीटिंग के बारे में जानकारी दी है। इस मीटिंग में केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर अजय माकन और हरीश चौधरी भी मौजूद रहेंगे। ये लोग पूरी रिपोर्ट तैयार कर हाईकमान को भेजेंगे। कांग्रेस ने सभी विधायकों को आज की बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। बागियों के रुख को देखकर साफ है कि कैप्टन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। बैठक बुलाए जाने का पता चलते ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपने करीबी विधायकों को सिसवा फार्म हाउस पर बुलाया है। विधायक दल की बैठक से पहले सिद्धू ग्रुप की मंशा भी सामने आई है। पंजाब कैबिनेट के मंत्री रजिया सुल्ताना के पति और सिद्धू के रणनीतिक सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा ने दो ट्वीट किए हैं। इसमें मुस्तफा ने कहा है कि 2017 में पंजाब ने कांग्रेस को 80 विधायक दिए, इसके बावजूद कांग्रेसियों को आज तक कांग्रेसी मुख्यमंत्री नहीं मिला। करीब 4.5 साल के लंबे इंतजार के बाद विधायकों के पास कांग्रेसी सीएम चुनने का मौका है। इस ट्वीट का मतलब है कि पंजाब में सिद्धू बनाम अमरिंदर सिंह की लड़ाई अब आमने सामने की होने वाली है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।